23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने ये पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसका ये हाल कर दिया था। नाक, गाल, गला, कमर के निचले हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे। आफताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए। तब श्रद्धा ने पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट दी थी और तभी श्रद्धा ने तय कर लिया था कि अब वो आफताब से अलग हो जाएगी। लेकिन अफसोस, वो फिर से आफताब के साथ आ गई। आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल किया था, शायद श्रद्धा से माफी भी मांगी। तभी तो श्रद्धा पसीज गई और फिर उसी आफताब के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, आफताब के कहने पर ही उसने पुलिस स्टेशन में दी अपनी कंप्लेंट वापस भी ले ली। मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये श्रद्धा की जिंदगी की सबसे बड़ी नहीं बल्कि आखिरी गलती साबित हुई? जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया इसलिए वापस नहीं लौटी, लेकिन उस आफताब का क्या जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी। बस कत्ल की तारीख को छोड़ के इन लाइनों को फिर से बड़े गौर से पढ़िए। श्रद्धा लिखती है, आज उसने मेरा गला घोट कर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने जो कुछ लिखा वो सब कुछ हूबहू सच हुआ। 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा। उसने पहले श्रद्धा का गला घोटा, फिर लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा जब तक कि सारे टुकड़े बाहर नहीं निकल गए। वैसे श्रद्धा के इस खत या कंप्लेंट का एक और पहलू भी है, शायद इस सवाल का जवाब भी इसी खत में है कि आफताब के तमाम जुल्म सितम के बावजूद श्रद्धा उससे दूर क्यों नहीं जा रही थी।